अमित जी देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड 6200 से सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर है, एक बार फिर से 6200 का लेवल टच करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या जिस हिसाब से मानसून तेजी से लौटा है और कैसे की जो सोइंग के जो आंकड़े हैं फिर से थोड़े बेहतर होने के कगार पर हैं, तो क्या कैसे में कुछ नरमी बनती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ से कैसे सीड में तेजी का अभी रुझान देखने को मिलता रहेगा? जी देखिए डेफिनेटली आंकड़े तो बेटर आए हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत बाजार ने पिछले एक महीने में वो डिस्काउंट भी किया है क्योंकि हम देख रहे थे कि आज से ठीक एक महीना पहले 6700 या 6800 के करीब के लेवल दिख रहे थे और उसके बाद में हमने 6000 तक के लेवल या 5800 तक के लेवल देखी है तो टू एन एक्सटेंट डिस्काउंटेड हो रहा है बाजार में और मेरे हिसाब से कुछ और समय तक ये चीज डिस्काउंट होगी। यानी आप अगर मुझसे एक हफ्ते या 10 दिन का व्यू पूछे तो मुझे लगता है कि बाजार जो है प्राइसेस 6350 और 5900 के बीच ही ट्रेड करती रहेंगी लेकिन ओवरऑल जो रुख है मैं अभी भी मंदी में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब तक 5800 के ऊपर प्राइसेस टिकी हुई है तब तक ओवरऑल जो रुझान है वो बाय ऑन डिप्स का है। यानी कि एक बार जब ये डिस्काउंट हो गया जो सोइंग के या हार्वेस्टिंग के जो आंकड़े हैं वो एक बार डिस्काउंट हो गए तो उसके बाद जो बिल्डअप होगा वो तेजी का बिल्डअप दोबारा हो सकता है जहां पर दाम मेरे हिसाब से 6800 से 7000 के करीब दोबारा निकल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं शॉर्ट टर्म बेसिस या मीडियम टर्म बेसिस तेजी में रहना पसंद करूंगा लेकिन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप मुझे 3 या 4 दिन का व्यू पूछे या हफ्ते भर का व्यू पूछे तो मुझे लगता है कि इमीडिएट तौर पे अपसाइड लिमिटेड होगा, 6300 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा प्राइसेस जो है और एट द सेम टाइम 5900 950 के करीब आके दोबारा बाएंगे बच्चों। जी